नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में फिर एक बार मृतक दुर्लभ कश्यप के नाम पर निजी कंपनी के कर्मचारियों के घर में घुसकर धमकाने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत के अनुसार धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोटिया द्वारा बताया गया कि लसूरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि वो अपने घर में थे, तब मृतक नामक एक युवक उनके घर में घुसा और कहने लगा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करो और मैं उज्जैन के मृतक दुर्लभ कश्यप गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। तुमने अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह की धमकी मिलने के बाद पूरे परिवार काफी सदमे में था और उसके बाद पूरे मामले में लसूरिया थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस की धमकी ने शहीद विभिन्न धाराओं में मृतक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन फिर से एक बार मृतक दुर्लभ कश्यप का नाम किसी युवक ने अपनी जुबान पर लिया है, उसको लेकर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जो कि पहले से उस जिससे उसकी फ्रेंडशिप थी उसकी लड़की से, उसके घर पर गया, उसके पिता से बोला कि अगर तुमने इसकी शादी मुझसे नहीं की तो मैं तुम्हें उसको मतलब धमकी दी और ये बताया गया कि मैं जो दुर्लभ कश्यप के गैंग का मेंबर हूँ। इस पर से थाना लसूड़िया में मुकदमा कायम कर लिया गया है और फिर जो कि घर के अंदर गया है 452 का मुकदमा कायम किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और